हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा शंकर, आप देख रहे हैं यूएस टेक चैनल। और आज हमारे पास है एक ब्लूटूथ बॉक्स, ये जो लोग गाना सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लूटूथ स्पीकर है। और फ्रेंड्स, ये बज नहीं रहा है, यानी कि इसमें साउंड की आवाज़ जो है नहीं आ रही है। तो ये चालू है, सब कुछ है। और अभी हम आपको मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करके भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये इसकी एलईडी जल रही है ऑन होने की। तो इसका ये ऑन ऑफ वाला बटन भी थोड़ा हरकत कर रहा है, वो बाद में हम सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी ऑन है, तो ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं। और आपको कनेक्ट करने के बाद दिखा देंगे कि इसमें प्रॉब्लम आखिर क्या है। कस्टमर के द्वारा बताया गया है कि ये बज नहीं रहा है, यानी कनेक्ट भी हो जाता है लेकिन आवाज़ जो है नहीं आती है। तो उस इस प्रॉब्लम को कैसे सही करना है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हेटेज BS1491 इस नाम से ये बॉक्स है। और ये आप देख सकते हैं कनेक्ट हो गया है, एलईडी भी जल रही है। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया है और अभी हम इसमें कुछ जो है सॉन्ग्स वगैरह बजा के देख लेते हैं। तो यूट्यूब खोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है गाना जो है ये हमने प्ले किया है और वॉइस भी फुल कर दिया है। तो आप सुन सकते हैं कि कुछ भी इसमें वॉइस जो है नहीं आ रही है और हमारा बॉक्स जो है चालू है और इसमें वॉइस जो है नहीं आ रही है। तो अपन को यही प्रॉब्लम जो है सही करनी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड इसको उनको खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए ये जो नीचे जो लगी होती है रबड़, इसको बाहर कर देते हैं। और स्क्रू ड्राइवर से आप देख सकते हैं कि ये स्क्रू जो लगे होते हैं इनको हमें खोलना है। तो खोल देते हैं स्क्रू से। वीडियो को हल्का सा फास्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो बॉक्स था ब्लूटूथ बॉक्स, ये जो है खुल चुका है। आप देख सकते हैं इसमें लिथियम सेल का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसमें अगर वॉइस नहीं आ रही है तो ये या तो फिर स्पीकर का फॉल्ट है या तो फिर रिंगर आईसी का फॉल्ट है। ये दो ही प्रॉब्लम से इसमें ये समस्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन को करना क्या है, इसके दोनों स्क्रू खोल देते हैं। और स्क्रू को खोलने के बाद फ्रेंड्स ये स्पीकर भी बाहर निकाल देते हैं और बैटरी को भी बाहर निकाल देते हैं और इसको भी बाहर, प्लेट को भी बाहर निकाल लेंगे। तो अभी यह थोड़ा सा हरकत कर रहा था, तो इसको हम एक दो बार सही से चला के देख लेते हैं। तो यह हमारा सही हो जाएगा। तो ये सही बार क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अपन को करना क्या है कि स्पीकर को भी देख लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा स्पीकर वर्क ना कर रहा हो, तो स्पीकर ख़राब हो। और स्पीकर अगर सही है फ्रेंड्स, तो अपनी आईसी में दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो आसपास गम लगा हुआ है इसको काट देना है। और काटने के बाद फ्रेंड इस तरीके से अपन को पेचकस की मदद से इसको बॉक्स को खोलना पड़ेगा। और ये बहुत ही कायदे से अच्छे से टाइट चिपका होता है। तो फ्रेंड्स, इसको हल्के हाथों से नहीं खोल पाएंगे इसको आप, तो थोड़े ताकत से खोलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इस बॉक्स को खोल देना है। तो आप देख सकते हैं कितना टाइट जो है गम लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो स्पीकर की वायर थी वो भी बाहर निकल के गिर गए हैं और स्पीकर भी हमारा डला हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ये प्रॉब्लम जो है
इसको गिर जाने की वजह से और तेज से गिरने की वजह से ये स्पीकर जो है अलग हुआ है और इसकी वायर भी टूटे हुए थे, इसी वजह से ये स्पीकर वर्क नहीं कर रहा था फ्रेंड्स। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो हमको करना क्या है कि सबसे पहले स्पीकर को एक बार चेक भी कर लेना है। तो स्पीकर को चेक करेंगे तो फ्रेंड्स आप इसमें वॉइस सुनाई देगी बीप की। तो फ्रेंड्स अभी हमने मल्टीमीटर को बीप की रेंज पर लगा के देखा तो आप सुन सकते हैं कि बीप की वॉइस आ रही है, तो स्पीकर हमारा सही है। तो फ्रेंड्स इसको स्पीड में थोड़ा सा करके वीडियो को और स्पीकर को अच्छे से सेट कर देंगे दूसरी जगह पे पेचकस की मदद से, प्लस उसकी मदद से स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू हमने कस दिए हैं फ्रेंड्स। तो अच्छे से इसके स्क्रू हमने कस दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम इसको हिला डुला के भी देख रहे हैं तो ये हमारा अच्छे से लग गया है। तो फ्रेंड्स इसमें वायर भी लगा देते हैं, वायर भी लगा देते हैं। वीडियो को हल्का सा फास्ट किया है और चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप सुन सकते होंगे, आप सुनेंगे कि इसमें ये इसमें अब जो है वोल्टेज अपनी बीप की वॉइस मिल रही है, यानी कि हमारा स्पीकर जो है ठीक हो गया है। तो स्पीकर सही हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसमें बैटरी लगा के देख लेंगे, इस साइड हमारा ये बैटरी लगेगा। ये हमने बैटरी लगा दी है और अभी हम चालू करके देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी एलईडी जो है जल चुकी है, तो ये बैटरी लगा दी है हमने और अभी हम जैसे ही ये लगाएंगे तो आपका स्पीकर चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने सुना कि ये जो है बजना हमारा स्टार्ट हो गया है, तो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो हमारी सॉल्व हो चुकी है फ्रेंड्स। तो हमारी रिंगर आईसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, तो ये हमारी सॉल्व हो गई है प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम बैटरी के ये मार्कर से लिख देते हैं इसमें, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था हमें कि बैटरी का कौन सा है, स्पीकर का कौन सा है, और जब भी कोई खोलेगा तो कम से कम इतना समझ में आ जाए स्पीकर कौन सा है, क्योंकि इसमें भाषा भी लिखी हुई है लेकिन वो चाइनीज भाषा लिखी हुई है। तो ये लिखने के बाद करने के बाद फ्रेंड्स इसको हम डब्बे को कर देते हैं पैक। पैक करने के बाद फ्रेंड्स हम आपको इसको बजा के एक बार दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये हमने कस दिया है और कसने के बाद फ्रेंड्स बजने लगा है, और बजने के लिए हमने इसमें मेमोरी कार्ड अभी लगाया है और मेमोरी कार्ड को हमने निकाल लिया है। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है डिवाइस ब्लूटूथ डिवाइस जो है कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर